स्वागत है और मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज एक अनूठी शुरुआत, एक नया आगाज होने जा रहा है, लेवल टेस्ट। ऐसा नहीं है कि शिल्पायन में लेवल टेस्ट पहले नहीं हुआ है, लेकिन वो कोरोना से पहले का था और उसका स्वरूप, कलेवर, उसका पूरा गठन जो था वो बिल्कुल अलग प्रकार का था। और आज हम एक नए स्वरूप में, नए तेवर में, आज यहाँ पे हम लोग एक नए लेवल टेस्ट की घोषणा कर रहे हैं, जिसकी पहली कड़ी के रूप में आज जयंतिका डे अपना लेवल टेस्ट देगी और सीधे सिक्स्थ लेवल तक देगी। बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक वृंद हैं जो इस लेवल टेस्ट के बारे में नहीं जानते, तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा हल्के में, संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेवल टेस्ट शिल्पायन की एक अनोखी दिमाग की उपज है, जिसमें पिछले लेवल टेस्ट में अलग अलग स्तर पर कुल 10 लेवल की संकल्पना की गई थी और 10 लेवल में कुल 100 राग रखे गए थे। इस प्रकार से रखे गए थे कि पहले लेवल में जो टेस्ट देने आए वो मात्र 6 राग की तैयारी करके आए, अगले में 15, फिर तीसरे में इस तरह 24, मतलब एक संख्या के आधार पर बढ़ते बढ़ते जब लेवल 10 पे पहुंचे तो वो उसको 100 राग अपने पास तैयार होकर के पूरी तरह से तैयार, ये भी नहीं कि अधूरा किसी तरह से, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में तैयार होकर के आ गए। और इसमें 10वें लेवल तक कोई पहुंचा नहीं, हालांकि प्रयास कर रहे थे 7वें लेवल तक पहुंचे। 7वें लेवल तक जयंतिका खुद पहुंची थी और तालिया भी पहुंची थी ना, 7वां किसी ने, अच्छा 6वें लेवल पर कई लोग थे, उसके बाद 7वां देते, लेकिन एक बुरा दौर आ गया समय का जो हम लोगों ने उसको बंद कर दिया, अन्यथा लोग 7वां 8वां करके और आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे। तो बाद में जब ये समय 3 साल का गुजरा, हम लोगों ने नए स्तर पर पुनः इसको शुरुआत की, तो जैसा कि पहले लेवल टेस्ट में था उसमें कोई बहुत ऑप्शन नहीं होते, आपको ग्रुप 1 या लेवल 1 की तैयारी करनी है तो इतने ही राग थे, इतने ही सब कुछ थे, 6 ही करने थे, 12 ही करने थे, 15 ही करने थे, बहुत ऑप्शन या चॉइस नहीं। और दूसरी बात है कि इस दौरान शिल्पायन में सिखाए जाने वाले, सीखे जाने वाले और मेरे द्वारा गाए जाने वाले, हमारे विद्यार्थियों के द्वारा गाए जाने वाले रागों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, बढ़त हुई, और बढ़ते बढ़ते ये रागों की संख्या 150 पर पहुंच गई, बल्कि और ज्यादा भी है, लेकिन हम लोगों ने 150 रागों को एक पूरे उसमें अलग अलग ग्रुप्स में उसको वर्गीकृत कर दिया, यानी एक तरह से उनका क्लासिफिकेशन कर लिया, सुबह के राग, किसी में मल्हार के राग, किसी में कान्हड़े के, किसी में दोपहर के, किसी में कुछ पुराने राग, कुछ कठिन राग, कुछ ऐसे करके अलग 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 कान्हड़े के अलग कर दिए, और इस तरह से थाट में भी ध्यान रखा गया, ताकि बड़े वैज्ञानिक ढंग से सोच विचार करते हुए हम लोगों ने 10 ग्रुप बनाए। 10 ग्रुप में हर एक ग्रुप में 15 राग थे, अब 15-15 राग होकर के अब 150 रागों का एक तैयार हो गया। इसी दौरान एक बीच में एक बात बता दें, ये लेवल टेस्ट के बारे में जब पिछले सत्र में चल रहा था, सीजन 1 जब चल रहा था, सीजन 2 आ गया, इन शब्दों से आजकल आप लोग ज्यादा वाकिफ है, हम तो सीजन 1 जब चल रहा था लेवल टेस्ट का, तो उसमें इन चीजों के बारे में लोगों को बहुत दूर तक जानकारी होती गई, और एक समय ऐसा आया था कि विदुषी अश्विनी भिड़े जी को भी इस बारे में कुछ जानकारी, तो उनसे मैं जब मिलने गया था, ये बात 2017 की है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ वो क्या आपका क्या है लेवल टेस्ट का, हमने सुना, तो हमने उनको दिखाया पूरा कागज, उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक गौर से ऊपर से सारे नीचे तक सारे राग पढ़े और सारा नियम देखा, तो उन्होंने कहा कि ये अद्भुत है, ये अगर बड़े बड़े कलाकारों को भी दे दिया जाएगा तो एक बार उनका भी पास होना मुश्किल ही है, ये उनके अपने शब्द थे, मुझसे उन्होंने कॉटन क्लाट्स में बताया। तो अब ये 150 है,
देखते हैं अश्विनी जी क्या बोलती है या और कोई क्या बोलता है। क्या लोग कहते हैं कि अपने बारे में बहुत स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहिए। हम कहते क्यों नहीं बतानी चाहिए, अगर मुझे आता है तो मैं बताऊंगा। हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें दूसरों से कल तुलना करके ये नहीं बताना चाहिए मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। लेकिन अगर मैं जानता हूँ तो मुझे कहने का हक है कि हाँ आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपने क्या पास किया है, तो अगर आप बीए पास है तो हाई स्कूल थोड़ी बताएंगे, आप कहेंगे हाँ बीए पास है। लेकिन ये कहना कि जो बगल में खड़ी है इंटर है इससे हम बीए मतलब हम सीनियर होंगे, ये बात ये कंपैरिजन वाली जो तुलनात्मक बात है या किसी को नीचा दिखाने वाली बात, हमसे कम पढ़ी लिखी है या हमसे कम जानती है, ये तो अभी कल की बच्ची है, ये बात अच्छी है। लेकिन अगर हम जानते हैं तो हमें कहना चाहिए और ये मानते हुए चलना चाहिए कि हमें अभी और आगे जानना है और आगे बढ़ना है। तो ये बातें मैं इसीलिए कह रहा था। और अब ये नए स्वरूप में ऑप्शन बहुत है, जैसे अभी ये छठवें लेवल में दे रही है, इसको कुल 8 ग्रुप्स उसमें से सेलेक्ट करने, कुल 10 ग्रुप है उसमें से आप 2 ग्रुप आप छोड़ सकते, 8 ग्रुप ले रही है। इन 8 में से हर एक में चूंकि लेवल 6 है तो हर एक में 6 राग, कुल 6 8 48 यानी 6 8 48 रागों का आपको एक लिस्ट बनाना है, जो ये लिस्ट यहाँ पे है इसमें दिया है। और पूछे कौन, अगर हम ही लोग पूछेंगे तो हो सकता है आपने आरोप लगा दिया कि बोले कि आपको पता है ना कि जयंतिका को आपने क्या क्या सिखाया, वही आप पूछ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो पहले हम लॉटरी करते थे, अब की बार हमने थोड़ा सा बदल दिया है। आज हमारे बीच में 2 ऐसे बच्चे हैं जो कुल 3 में से 2 लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्हें आज एक बहुत बड़ा सा स्कॉलरशिप मिला है। स्कॉलरशिप है यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला स्कॉलरशिप है जो हमारे 3 शिल्पायन के लोगों को मिला है। एक है रूपम बसाक, दूसरे है प्राप्ति दुरानी और तीसरे है प्रकाश कुमार। तीनों को स्कॉलरशिप मिला है, बहुत बड़ी बात है। और ये नेशनल स्कॉलरशिप है। आप आ जाओ अंदर, आ जाओ, दरवाजा वो कर दो, बंद कर दो, बैठवा। तो इस तरह से उनमें से जो 2 लोग उपस्थित हैं उन दोनों को मैंने अपने पैनल बना दिया। आज की ये दोनों पैनलिस्ट होंगे, प्राप्ति पुरानी और रूपम बसाक। सामने जयंतिका है, तबले पर वेदांत सिंह है, सामने पैनलिस्ट हैं दोनों प्राप्ति पुरानी और रूपम। जज के रूप में मैं हूँ, डॉक्टर रागिनी सरना है और शुभंकर शुभंकर देव, 3 लोगों को जज के रूप में है। हम तीनों तय करेंगे कि ये लेवल उनका पास माना जाए या ना माना जाए। तो लीजिए शुरू करते हैं आज के या अब के सीजन 2 लेवल टेस्ट। लेवल टेस्ट का सीजन 2, इसमें पहली शुरुआत हो रही है जयंतिका देवकर। ऑल द बेस्ट जयंतिका। इसमें हम लोग हारमोनियम नहीं रखते हैं, अप टू लेवल 6 तक नहीं रखेंगे, 7 से हम लोग रखेंगे। 7 लेवल का कोई देगा तो उसको देगा, 7 8 9 6 तक। और प्राप्ति और रूपम ये जितने राग हैं इसमें से आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा इतना ज्यादा कठिन पूछा जाए कि ये गांधी का गिर ही जाए। जो बोलेंगे वही बात। बच्चों को आगे आने का सकते हो आगे रखेंगे बहुत पहले बोले माइक माइक। तो पहला आप पहला बोल रहे, तो पहला ये फरमाइश हुआ है, जैसे फरमाइश है राग जयताश्री। तो
Wow.
सुखवा करा रही
Ma
बाद में आए हैं तो मैंने शुरू शुरू में क्या क्या कहा था उसका थोड़ा सा एक
हल्का सा बता देना चाहता हूँ फिर से, ये लेवल टेस्ट सीजन टू है। सीजन वन में काफी सारे लोग दिए थे, बहुत सारे, हमें लगता है कि शायद 60-70 से नीचे नहीं होंगे, उतने लोग दे चुके थे। कोई लेवल वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, वन से शुरुआत होती थी और एक एक बार हम लोग कार्यक्रम करते थे, तीन तीन लोग भी देते थे छोटे उसमें, और जब लेवल हाई होता जाता था तो एक एक को काफी समय से सुना जाता था। तो ऐसे करते करते कोई लेवल वन दे रहा, टू दे, देखिए ये कोई मतलब नहीं है कि कौन लेवल सेवन देता है कौन वन देता है, सब अपने अपने अनुसार देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको तरक्की करनी है, अपने लेवल में सुधार करना है, ना कि दूसरे से कोई कंपेयर। तो ऐसे ही करते करते जयंतिका ने सेवेंथ लेवल तक पहुंच गई थी और अगले सेवेंथ लेवल के लिए डालिया का आ चुका था कि होने ही वाला था, फिर पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हो गया, एक ऐसा समय आया जब सब कुछ खत्म हो गया। तो हम लोगों ने उस लेवल टेस्ट को ही जो सीजन वन था उसको पूरी तरह से समाप्त करके नए सिरे से नए उसको नए ढंग से ढाला उसको, जिसमें कुल 10 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में 15-15 राग है। कुल 150 रागों की एक फहरिस्त या लिस्ट तैयार है जिसमें आपको किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप्स का चयन करना है लेवल के अनुसार। लेवल 6 कुल 8 ग्रुप्स का आपको वो करना है, 8 ग्रुप्स आउट ऑफ 10 लेवल्स, 10 ग्रुप्स आई मीन, जितने 10 ग्रुप्स है उसमें से 8 लेवल ले लिया, हर एक में 15 है, आपको उसमें से लेवल 6 है इसलिए 6-6-6-6-6-6 करते हुए 48 राग्स आपको लेवल 6 के लिए तैयारी करनी होती है। लेवल 1 फेयरली इजी है, लेवल 1 में 6 ग्रुप में एक एक राग यानी कुल 6 ही राग तैयार करते हैं, वो इजीएस्ट लेवल है, और 6 राग तैयार करना, तो जो लोग जैसी तैयारी करना चाहे जरूर करें। वो 6 राग की यहाँ पे देंगे लिख करके, हमारे हमने हर बार एक कुछ पैनलिस्ट रखेंगे, जैसे आज के पैनलिस्ट है रूपम बसाक और प्राप्ति पुरानी, ये दोनों अपने हिसाब से उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनके प्रश्नों में कोई ना कोई खास बात होती है, जैसे जैताशिर के बाद शंकरा पूछा तो सागर पर कैसे फंस रहा था, वेदांत भी परेशान था। हमें लगता है कि वेदांत अगर इस तरह बजाता रहा तो बहुत जल्दी वो भी लेवल 3-4 तो देंगे, क्योंकि उसको राग कहीं ज्यादा आते हैं, बस खाली गाने की देरी, अब सोच इसका रियाज शुरू करवा दे। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग जो लोग उनको नहीं जानते हैं सुन लीजिए इस बात को, जो IIT के लिए तैयारी करते हैं ना, तो उसका जो मेन एडवांस वाला होता है वो सब ये क्लियर कर चुका है और अब इसका IIT में एडमिशन होने ही जा रहा है, संभवतः अगले माह तक इसका यहाँ से रुखसत कर जाए और जहाँ IIT में इसका जिस कोर्स में इसका हो वहाँ चला जाए। तो ये बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ पास कर चुका है और साथ में इतना अच्छा तबला भी बजाता है, यानी पढ़ाई करने के लिए तबला बजाना जरूरी है और तबला बजाने से पढ़ाई नुकसान नहीं होता है, ये दोनों बातें इसने सिद्ध कर दिया है। खैर, अब ये जो पैनलिस्ट है ये कुछ कुछ पूछेंगे, अगर मान लीजिए आप लोगों में से किसी को लगता है कि अब जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए नाश्ता वास्ता करके, और नहीं तो बैठिए, गाना सुनने में क्या दिक्कत है, किसी का कुछ आता जाता नहीं है। और लीजिए अब पैनलिस्ट क्या पूछेंगे देखना है, सरल कठिन हर तरह से पूछिए, और जो भी आप राग हो वो 10-10 मिनट के हो जिससे 3-4 और भी कवर हो जाए। हाँ, एक मिनट, वैसे सबको पता ही है कल ऐसे ही एक धमाकेदार प्रस्तुति के लिए फिर से तैयार हो जाइए डालिया मुखर्जी का, आज कभी माहौल बना हुआ, तो कल ठीक 8 बजे, आज थोड़ा सा विलंब हुआ, अगर आप लोग समय से आएंगे तो समय से शुरू करेंगे, बहुत जल्दी होगा और अच्छे से ज्यादा सुन सकेंगे, यहाँ जब आए और 15 मिनट गाना सुन के चले जाए तो फायदा, समय से आइए, बहुत सारे लोग बहुत नजदीक रहकर भी धीरे धीरे आते हैं, हम देखते हैं। हाँ, और किसी किसी को लेवल टेस्ट देना है तो अपना नाम भी दे दे, लेवल 1 दे चाहे लेवल 7, उसकी कोई बात नहीं है, जहाँ जिसको फिलहाल 10 लेवल तक तैयारी है और इसको आगे 15 लेवल तक ले जाना है, तो फिलहाल ऐसा लेवल टेस्ट किसी को भी दे दीजिए, कई कलाकारों को सामने रख दिया जाएगा तो वो तुरंत बेहोश हो जाएगा, उसकी दवाई लेके जाइएगा।
और आप पैनलिस्ट क्या पूछने वाले हैं देखते हैं। 10-10 मिनट के कुछ राग और सुन लीजिए। राग बिहार छोटा क्या Ah.
Mm-hmm.
Ah.
शुभ रात्रि।